कम बोलने की आदत डालो, जो चाहोगे वो मिलेगा। हमारे जीवन में कम बोलने की आदत डालने का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमारे मन को शांत रखता है, बल्कि हमें सच्चे संतोष और सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। भगवान बुद्ध, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं, ने भी कम बोलने की महत्ता को समझाया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो हमें सिखाती है कि कैसे कम बोलने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिकेत था। अनिकेत बहुत ही तेज तर्रार और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। गांव के लोग उससे परेशान थे क्योंकि वह कभी किसी की बात नहीं सुनता था, बस अपनी ही कहता रहता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और किसी की सलाह की उसे जरूरत नहीं। एक दिन अनिकेत ने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध आए हुए हैं और वहां लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अनिकेत ने सोचा कि वह भी वहां जाकर बुद्ध से मिलकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेगा और उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करेगा। वह तेजी से जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध बहुत ही शांति और धैर्य से लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और उनके समाधान बता रहे थे। अनिकेत ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है और उसने तुरंत बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? अनिकेत ने तुरंत शुरू कर दिया, भगवान बुद्ध, मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मुझे लगता है कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे और अधिक सफल हो सकता हूं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें अपनी सफलता में क्या बाधा महसूस होती है। अनिकेत ने बहुत सारी बातें बतानी शुरू कर दी, लेकिन बुद्ध ध्यान से सुनते रहे और बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। अनिकेत की बातें खत्म होने के बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अनिकेत, तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम कम सुनते हैं? अनिकेत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, पर मैं तो सब कुछ जानता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, कम बोलना और अधिक सुनना हमें हमारी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने में मदद करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हमें दूसरों के विचारों को समझने का अवसर मिलता है। अनिकेत ने सोचा कि वह अपनी बात को साबित करेगा, इसलिए उसने बुद्ध से बहस करनी शुरू कर दी। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और अंत में कहा, अनिकेत, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक महीने तक बहुत कम बोलने का प्रयास करो और ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम मुझसे फिर मिलो और अपनी अनुभव बताओ। अनिकेत ने बुद्ध की बात मान ली और उसने एक महीने तक कम बोलने की कोशिश की। उसने पाया कि जब वह कम बोलता है तो उसे दूसरों की बातें बेहतर समझ में आती हैं और वह अपनी गलतियों को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कम बोलने से वह अपने मन की शांति को पा सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। एक महीने बाद अनिकेत फिर से बुद्ध के पास गया और उसने कहा, भगवान बुद्ध, आपने सही कहा था, कम बोलने से मुझे अपनी कमजोरियों का पता चला और मैं दूसरों की बातें बेहतर समझ सका। अब मैं महसूस करता हूं कि सफलता केवल अधिक बोलने में नहीं, बल्कि अधिक सुनने और समझने में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिकेत, यही तुम्हारी असली सफलता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अधिक सीखते हैं और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कम बोलने की आदत हमें न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि हमें जीवन की सच्ची शांति और संतोष की ओर भी ले जाती है। भगवान बुद्ध की यह सीख हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है अगर हम इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। इसलिए कम बोलने की आदत डालें और जीवन को सफल और शांतिमय बनाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।